अपने चारों धाम मिले हैं पत्थर में, अपने चारों धाम मिले हैं पत्थर में, जीवन के आयाम मिले हैं पत्थर में, भौतिकवादी इस सुख को क्या समझेंगे, भक्तों को श्री राम मिले हैं, भक्तों को श्री राम मिले हैं पत्थर में। और एक एक छंद से अपनी बात आरंभ करता हूँ कि वीर रण बाकरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी, कि वीर रण बाकरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी, और बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक के तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी, बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक के तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी। तो देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कोंपलों को, देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कोंपलों को, सोए हुए राष्ट्र की जवानी जाग जाएगी, और बेटियों को शस्त्र और शास्त्र का दिलाओ ज्ञान, बेटियों में झांसी वाली रानी जाग जाएगी। और एक छंद देता हूँ आपको, चोटियों के ऊपर बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं इस देश में, बड़ी गालियां दी जाती हैं, तब एक छंद मैं देना चाहता हूँ कि ना तो ढोंग है ये ना श्रृंगार का सामान कोई, ना तो ढोंग है ये ना श्रृंगार का सामान कोई, ना ही अपमान का निशान है ये चोटियां, कि ना तो ढोंग है ये ना श्रृंगार का सामान कोई, ना ही अपमान का निशान है ये चोटियां, तप त्याग गुणशील धैर्य का प्रमाण है ये, शुद्ध चित्त में निहित ज्ञान है ये चोटियां, तप त्याग गुणशील धैर्य का प्रमाण है ये, शुद्ध चित्त में निहित ज्ञान है ये चोटियां, और विश्व गुरु बनकर जग में बढ़ाया मान, कि विश्व गुरु बनकर जग में बढ़ाया मान, भारती की आन बान शान है ये चोटियां, और धर्म को धरा से कभी मिटने नहीं दिया है, इसलिए सबसे महान है, सबसे महान है ये चोटियां। और एक छंद और रखता हूँ उसके बाद एक छंद और आपके बीच में रखता हूँ कि ज्ञान और ईमान को बचाया प्राण देकर भी, कौन कौन लोग प्रणम है इस देश में, कि ज्ञान और ईमान को बचाया प्राण देकर भी डर से ना कटी सी वो चोटियां प्रणम है, कि ज्ञान और ईमान को बचाया प्राण देकर भी डर से ना कटी सी वो चोटियां प्रणम है, और राणा ने जो खाई स्वाभिमान से स्वाधीनता की जंगलों की घास वाली रोटियां प्रणम है, राणा ने जो खाई स्वाभिमान से स्वाधीनता की जंगलों की घास वाली रोटियां प्रणम है, तो राष्ट्र की सुरक्षा हेतु बोटी बोटी दे हुई, बोटी बोटी दे हुई राष्ट्र की सुरक्षा हेतु शूर वीरों की वो सभी बोटियां प्रणम है, और भिन्न भिन्न जातियां हो भिन्न हो भले ही वर्ण, बलिदानियों की सभी कोटियां प्रणम है, बलिदानियों की सभी कोटियां प्रणम है। और एक कविता आपके बीच में पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मंच है, वीडियो भी बन रही है, लोगों तक जाएगी, तो कविता कह लीजिए या फिर ये समझिए कि नया मैं नारा दे रहा हूं इस देश को, राम मंदिर बन गया है। कविता आरंभ करता हूँ। कृष्ण पक्ष की कृष्ण अष्टमी भादो मास सुहाना था, आदरणीय दीपक गुप्ता जी की उपस्थिति है। कृष्ण पक्ष की कृष्ण अष्टमी भादो मास सुहाना था, द्वापर युग का यही दिवस तो भगवान ने मन में ठाना था, भक्तों के संकट हरने का अपने सिर पर भार लिया, भक्तों के संकट हरने का अपने सिर पर भार लिया, घोर निशा में जगदीश शर्मा ने मानव बन अवतार लिया, हुए अवतरित जैसे कान्हा ऐसे पहला नहीं सुना, हुए अवतरित जैसे कान्हा ऐसा पहले नहीं सुना, जन हेतु स्थान बलि ने पापी का कारागार चुना, वासुदेव के पुत्र आठवें सिद्ध रूप पारायण को मात देवकी ने जन्मा साक्षात स्वयं नारायण, मात देवकी ने जन्मा साक्षात स्वयं नारायण को, मथुरा का वो बंदी ग्रह जो इस लीला का दृष्टा है, मथुरा का वो बंदी ग्रह जो इस लीला का दृष्टा है, आज उसी में गर्भ हुआ जो इस लीला का सृष्टा है, हर हिंदू के प्राण उसी पावन धरती में बसते हैं, हर हिंदू के प्राण उसी पावन धरती में बसते हैं, लेकिन उसके ऊपर गुंबद सर्प सरी के डसते हैं, लेकिन उसके ऊपर गुंबद सर्प सरी के डसते हैं, कब तक गुंबद देखेंगे हम, कब तक यूं अकलाएंगे, कब तक गुंबद देखेंगे हम, कब तक यूं अकलाएंगे,
एक दिवस तो तोड़ दीवारें 10 लड़ा के पाएंगे। जहां गूंजी पहली किलकार, जहां गूंजी पहली किलकार, पलना वही झुलाएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वही खिलाएंगे। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वही खिलाएंगे। बहुत बहुत